Good morning students, today we will study chapter number 3, odd and even number. आज मैं आपको बताऊंगी कि odd number क्या होता है और even number क्या होता है. देखो odd number क्या होता है, जैसे हर दूसरा number even होता है और हर दूसरा number odd होता है. जैसे आप और even number 2 से डिवाइडेड होता है, 2 का मल्टीपल होता है हमेशा, जैसे 2, 4, 6 ये सब क्या होता है, ये 2 की टेबल में आते हैं. जो भी 2 की टेबल में आता है वो आपका इवन नंबर कहलाता है, ठीक है. वो 2 से डिवाइड करोगे, अगर किसी भी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 0 बचता है. जैसे 14, ठीक है. देखो इसको जगह 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 7 14, रिमाइंडर कितना बचा, 0. तो कोई भी इवन नंबर अगर उसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा. अब और एक बात देखो, किसी भी कोई भी नंबर हो उसका वंस प्लस वैल्यू, ठीक है, वंस जो नंबर है जैसे 2 4 3 2, ठीक है, तो ये जो वंस प्लस है ये हमेशा क्या होगा, 0 2 4 6 या 8, इन पांचों में से कोई ना कोई नंबर होगा यहाँ पे. अगर इन पांचों में से कोई नंबर यहाँ है तो ये क्या कहलाएगा, इवन नंबर. क्या कहलाएगा, इवन नंबर. और इसके अलावा 1 3 5 7 या 9 है तो वो क्या होगा, ओड नंबर. क्या होगा, ओड नंबर, ठीक है. अब देखो आपकी जो एक्सरसाइज है वो ऐसे ही है, ठीक. अब देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चन समझाती हूँ आपके बुक में जो दे रखा है. देखो आपके 1 to 100 तक काउंटिंग दे रखी है, ठीक है, 1 to 100 तक काउंटिंग दे रखी है. अब और आपको राउंड में दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 then 10, ठीक है, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. और ये काउंटिंग दे रखी है और आपको इसमें दे रखा है कि काउंट बाय सेकंड्स एंड कलर देम येलो एंड अदर ग्रीन. मतलब हर दूसरे नंबर को, हर दूसरे नंबर में आप येलो कलर करो और बाकी के बच्चे को ग्रीन करो. जैसे ये 2, इसको येलो करो, ठीक है, इसको आप क्या करोगे, येलो कलर करोगे, फिर इसको छोड़ के इसको येलो करोगे, फिर इसको भी येलो करोगे, इसको भी येलो करोगे, यहाँ पे भी आप येलो कलर करोगे, ठीक है. तो ये सब क्या हो जाएंगे, जो येलो कलर वाले हैं ना, ये सब आपके क्या है, इवन नंबर है. कौन से नंबर है, इवन, आपके 100 तक है इसी तरह से. तो ये जो लाइन पूरी आएगी ना, 2 12 22 32, ये सारे येलो आएंगे. ये इसमें 4 14 24 वाले, ये सारे इस तरह से. तो ये सब, ये जो येलो कलर जिसमें करोगे आप हर सेकंड्स नंबर में, जो 2 से डिवाइडेड है ना, 2 के मल्टीपल्स, जो 2 के मल्टीपल्स है उनमें येलो कलर करना है और बाकी के जो है इनमें ग्रीन कलर करना है आपको, ठीक है, राउंड में लिखे हुए हैं. तो ये जो येलो कलर वाले हैं ये तो आपके कहलाते हैं येलो कलर, जो है वो होंगे इवन नंबर, और जो ग्रीन है वो होगा ओड नंबर. आया समझ में? तो वही एक बात और आपको ध्यान, ये बात याद रखनी है कि इसकी जो वंस प्लेस वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, मतलब इसकी वंस डिजिट है. वी नोटिस दैट द वंस डिजिट आर 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8. अगर ये डिजिट है इसका मतलब ये क्या है, इवन नंबर है, ठीक है. और वही कि इवन नंबर को अगर हम किस इवन नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा क्या बचता है, 0, ठीक है. अब इससे रिलेटेड हम, और ओड नंबर को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, ठीक है.
अगर इवन नंबर को 2 से डिवाइड करोगे तो जीरो रिमाइंडर बचता है, और अगर हम ओड नंबर, जैसे ये ओड नंबर है ठीक है, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा रिमाइंडर 1 बचता है। ठीक है, अब ये आपको कॉपी में, आपको बुक में ही सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें बुक में आपको ये कलर्ड करने हैं, खाली इवन नंबर और ओड नंबर, इवन नंबर को येलो से और ओड नंबर को ग्रीन से। ठीक है, थैंक यू।